जब हर कोई बाहुबली 2 की सक्सेस से ताज्जुब में है, ऐसे में एक और ताज्जुब की बात हो गई है। जी हाँ, डायरेक्टर अनिल शर्मा की माने तो बाहुबली ने 1500 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है। उनका तो ये भी मानना है कि आज की तारीख में गदर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वैल्यूएशन 5000 करोड़ होगी। दरअसल अपने बेटे उत्कर्ष की फिल्म जीनियस के मुहूर्त पर आए अनिल शर्मा से जब बाहुबली 2 की सक्सेस के बारे में पूछा गया, तब उनका कुछ यूं कहना था। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2001 में गदर ने 265 करोड़ की कमाई की थी, जब टिकट्स की कीमत सिर्फ 25 रुपए हुआ करती थी। अगर आज की तारीख में इसकी वैल्यूएशन की जाए तो टोटल 5000 करोड़ रुपए होते हैं, जबकि बाहुबली 2 ने सिर्फ 1500 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। आपको बता दें, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर एक प्रेम कथा और अपने जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस डायरेक्टर से सहमत हैं? पहले इस बारे में हमें अपने सुझाव ज़रूर बताएं और कॉमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।